हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको नए किचन का सेटिंग कैसे करें, यानी कि सामान को सेट कैसे करें, वो दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए हमारा किचन सेट करने का तरीका, तो जरूर लाइक कर दें। तो देखिए, जो हमारा किचन का सेटिंग हम कर रहे हैं वो एक रूम में ही कर रहे हैं, यानी कि एक कमरा है। कमरा में हम छोटे छोटे दो रेक बनवा रखे हैं, जो कि आपको वीडियो में नजर आएगा। तो देखिए, सभी सामान हम रखे हैं एक दो महीना पहले से ही, लेकिन गंदा हो गया है, तो उसे हम साफ कर करके और बढ़िया से लगा ले रहे हैं। तो ये हमारा रोज वीडियो में काम आने वाला सामान है। और हमारा जो किचन था, किचन सेटअप था, वो नीचे था, और आज हम छत पे, मतलब हमारा जो छत के ऊपर जो एक रूम था उसमें हम अपना सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए हम ये जो किचन सेटअप है अपना चेंज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये जो हमारा हाथ में टोकरी है, ये हम पूरी से लाए थे। ये बांस से बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया टोकरी है। तो हम सभी सामानों को सही तरीके से सही जगह पर लगा लेते हैं। तो देखिए, सभी सामानों को हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे हम रखेंगे तो हमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, जो सामान है हमारे पास, वही सामानों को हम बढ़िया से लगा के रख रहे हैं। और जो हम आपको पिछले वीडियो में दिखाए कि जो हम सामान नागल राय यानी कि सागरपुर के पास से खरीद के लाए थे, वो साफ सामान दिखाए थे, सभी सामानों को हम जगह पे लगा लेंगे। तो ये जो बना हुआ है, जो बांस का कप है, देख सकते हैं, ये कप मैं पूरी से लाई हूँ और बहुत ही बढ़िया है। ट्रे भी है बांस का बना हुआ, और बहुत से सामान लाई जैसे कि हाथी घोड़ा हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये सब मैं पूरी से लाई थी, बहुत से सामान। और ये सब जो ट्रे है, मैं आप लोगों को सर्विंग करते वक्त दिखाती हूँ। तो सभी हम ट्रे को भी सही से रख लेते हैं कि हमें आसानी से उतारने में दिक्कत ना हो। तो जो हमें इस्तेमाल करने वाला चीज़ें हम नीचे के रेक में रख रहे हैं, और जो हमें जल्दी नहीं उतारना है उसे हम ऊपर रख रहे हैं। तो अगर आप भी नया सेटअप करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें। तो देखिए, हम एक छोटा सा चकला बेलन रखे हैं सो के लिए, उसे भी हम बढ़िया से रख दे रहे हैं। और कुछ गिलासे हैं कांच के, जो कि हम इस अलमारी में लगाए हैं। और ये फ्लावर पॉट है, इसमें नमक चाट मसाला मैं रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए शंख है, तो ये भी मैं पूरी से लाई थी और यहाँ पे मैं सजा के रख रही हूँ। तो देख सकते हैं, इस तरीके से हम सारा सामान को इधर से उधर, ये जो तेल आपको दिख रहा है, ये मैं कल रेसिपी बनाई थी तो यहीं पे है, इसे मैं साफ करूंगी। ये देख सकते हैं, ये कबाब बनाने के लिए, चिकन टिक्का बनाने के लिए सीख है। इन सभी को साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि अब तो सर्दी आने वाला है, और सर्दियों में मैं बहुत से इस पे आपको मलाई टिक्का, चिकन टिक्का बना के दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये मिट्टी का हांडी है, इसमें हम रेसिपी बना के आपको दिखाए हैं और अभी रखे भी हैं, और आगे भी हम कुछ ना कुछ इस मिट्टी के बर्तन में आपको बना के दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये कप है, कूलर है, तो मैं बहुत जल्द कूलर चाय भी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं खरीद के रखी हूँ इसको। और ये मिट्टी का हांडी है, जिसमें हम आइसक्रीम बनाए थे वो है, और ये दही बनाए थे उसमें जो बड़ा हांडी है वो भी है। इन सभी को हम अरेंज करके रख लेते हैं। तो देखिए, जो हम पहले से सामान रखे हैं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाता है। तो एक महीना पहले से हम रखे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहे थे, धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहे थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम अपना सेटअप यहीं पे सारा कुछ ले आए, जैसे कि गैस चूल्हा हो गया और सारे चीज हो गए, दाल हो गया, चावल हो गया, सभी चीजों को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो मैं कुछ डब्बे भी खरीद के रखी हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, ये जो डब्बे हैं हम खरीद के रखे हैं, इसमें दाल रखने के लिए, और सभी डब्बे पे थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी पड़ गया है, तो मैं इसे साफ कर ले रही हूँ। साफ करने से बिल्कुल अच्छा दिखेगा। और जो हमारा रेक है वो मैं बिल्कुल छोटा छोटा बनवाई हूँ, देख सकते हैं, ओपन रेक है, खुला हुआ रेक है। और ये जो कप है, हमारा लड़की का फोटो था, लड़का का फोटो था, तो इसे भी यहीं पे रखे हैं। और इन सब डब्बों को हम लगा लेते हैं, और कल हम
दाल ले आएंगे, जो भी दाल किचन में जैसे कि इस्तेमाल करते हैं हम, सभी दालों को हम डब्बा में डाल लेंगे। तो अभी हम लाइन बाय लाइन डब्बों को साफ करके लगा ले रहे हैं कि हमें किस जगह पे क्या सामान रखना है। तो आप सभी को पता है नया सेटअप करने में कितना प्रॉब्लम आता है, ये ग्रेटर है देख सकते हैं, तो मैं सब कुछ एक एक अलग छोटा छोटा ले आई हूँ कि हमें बार बार ऊपर नीचे भागना ना पड़े। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं सारा अपना सामान सेटअप करके रख रही हूँ। और ये कुकी कटर है देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारा रेसिपी मैं बना के दिखाऊंगी, लेके आई हूँ मार्केट से। ये 150 करीब का पड़ा है हमें, ये कुकी कटर आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा अच्छे से शॉप पे। और ये कांच के बाउल हैं जो कि मैं सर्विंग के टाइम में यूज करूंगी। और ये जो हाथी देख रहे हैं, ऊंट देख रहे हैं, ये ऊंट है, ऊंट में लाई थी पूरी से और बहुत सस्ता ऊंट है, वहाँ पे ये 50 का जोड़ा मिल रहा था तो मैं ले आई थी और बहुत अच्छा लग रहा देखने में। ये जूट से बना हुआ है, जैसे कि जूट जो नारियल होता है, नारियल का छिलका से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और ये जो हम कल लाए हैं सामान सागरपुर से, उसे सोच रहे हैं कहाँ पे लगाएं कि हमें प्रॉब्लम भी ना हो। तो अभी हम सेटअप देख रहे हैं कि कहाँ पे लगेगा। तो आप देख सकते हैं, हम सोच रहे हैं कहाँ पे लगाएं इसे कि सही जगह हो और हमें परेशानी ना हो। तो मैं अपना नया किचन, यानी कि नया किचन बना रही हूँ। नया किचन क्या, ये रूम है जिसमें कि हम लोग रहते हैं। तो एक साइड हम अपना वीडियो का सेटअप कर ले रहे हैं और एक साइड हम रहते हैं। तो देख सकते हैं हम सभी सामानों को इधर से उधर रखते हैं। अब हम समेट के जहाँ जहाँ रखना है वहाँ रख रहे हैं। तो ये हम जो बाउल लिए हैं, ट्रे लिए हैं, सब सर्विंग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम जगह जगह पे लगा लेते हैं। तो जो हमारा रूम है बिल्कुल व्हाइट कलर का है, देख सकते हैं, मैं कोई कलर नहीं करवाई हूँ। कलर इसलिए नहीं करवाई हूँ कि व्हाइट कलर में अच्छा खासा हमें लाइट मिल जाएगा और वीडियो बनाते वक्त दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए मैं व्हाइट रखी हूँ कि हमारा जो रेसिपी बनेगा अच्छा खासा लाइट मिले। क्योंकि कमरा है तो कमरा में तो आप सभी को पता है लाइट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं व्हाइट रखी हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये जो कप होल्डर था, इन सभी को हम जगह जगह पे लगा ले रहे हैं और सभी कप को भी हम अरेंज करके रख रहे हैं कि ताकि वीडियो में देखने में अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि हम जहाँ पे अपना सेटअप है, जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा वक्त पूरा पूरा दिन बिताते हैं, वहाँ का एरिया साफ सुथरा और अच्छा लगना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं सामान अरेंज कर रही हूँ। अभी बहुत से सामान लेना है तो मैं धीरे धीरे ही लूंगी, एक बार मैं ले नहीं सकती क्योंकि सोच समझ के ही लेना पड़ेगा कि कौन सा चीज हमें इस्तेमाल का है। और ये देख सकते हैं हाथ में जो है अचार है, मैं रखी थी उसी रेक पे, तो इसे मैं अब नीचे वाला किचन में ले जा रही हूँ और जो जल्दी यूज होने वाला नहीं है उसको अलग अलग जगह पे हम लोग लगा रहे हैं। और छोटे बाउल, बड़े बाउल जो हमें रोज इस्तेमाल करना है उसे सामने रख रहे हैं। तो अभी नया नया हम किचन सेटिंग कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि नया सेटिंग करने में किचन को कई बार सामान को इधर से उधर करना पड़ता है। और ये तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप सब समझ ही सकते हैं कितना प्रॉब्लम आता है वीडियो बनाने में। तो सामान तो इधर से उधर होता ही रहेगा अभी बहुत दिन तक, जब तक हमारा सही से सेटलमेंट नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं अभी मैं टेम्पोररी सेटलमेंट कर रही हूँ कि मैं आप सभी को वीडियो शूट करके दिखा पाऊँ, क्योंकि नीचे भी हमारा जो किचन था, मैं आपको दिखाई हूँ नीचे का जो किचन टूर था हमारा, आप सभी को करवाई हूँ। और उतना ज़्यादा वो नहीं था, इसमें जगह बहुत कम था तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैं एक रूम में ही किचन को सेटअप करना पसंद की। तो देखिए सभी सामानों को हम अरेंज कर ले रहे हैं सही जगह पे। और इसमें हम कोई भी बंद रेक नहीं बनवाए हैं क्योंकि ये कमरा है, तो हम टेम्पोररी किचन बनाए हैं। और ये बास्केट है बर्तन रखने वाला, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे हम कल सामान ला कर रख दिए थे, अब जगह पर देखिए यहाँ पे सिंक है। अभी यहाँ पे टूटी नहीं लगवाई हूँ मैं, और टूटी लगवाऊंगी मैं बहुत जल्द। और ये जगन्नाथ भगवान का फोटो था। और यहाँ पे देखिए कुछ हम फ्लावर पॉट भी लेके आए हैं चिड़िया के साथ, जिसपे जो पेड़ है उसपे चिड़िया बैठी हुई है। और यहाँ पे हम मंदिर का सेटिंग कर ले रहे हैं। साइड में एक कॉर्नर मैं बनवाई हूँ जो लंबा सा जाता है, मैं आपको वीडियो को एंड में दिखाऊंगी। और ये देखिए बड़ी है, बड़ी में रखी थी ऊपर भी और नीचे भी, और हम अब नीचे भिजवा दे रहे हैं दोनों को, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा जो बेटा है नीचे ले जा रहा किचन में। और ये जो अलमीरा मैं आपको दिखाई थी कल वीडियो में, उसे मैं लगा लेती हूँ साइड में, क्योंकि इसमें मैं छोटा छोटा जो भी सामान जो रोज काम में आने वाला है वही रखूंगी। और बहुत अच्छा है, क्यूट सा है, हमें अच्छा लगा तो मैं ले आई थी। और ये सब सामान जो मैं आपको दिखाई हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सागरपुर के पास में नागल राय है, वहीं पे बाजार लगता है संडेर मार्केट, वहीं से मैं लेके आई हूँ। कोई मैं हरिद्वार से नहीं लाई हूँ ये सामान है, ये मैं ली हूँ नॉर्मल मार्केट से, जहाँ पे आपको बता रही हूँ मैं सागरपुर नागल राय के पास में बाजार लगता है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं वहां से सामान। और ये देखिए चॉपिंग बोर्ड है, ये भी मैं सागरपुर से ही लाई थी बहुत दिन पहले। और ये हमारा मसालदानी है जिसमें मैं मसाला रखती हूँ, तो इसे भी मैं पोंछ के सही जगह पर रखूंगी। और इसमें भी छोटा छोटा बाउल इधर से उधर मैं रख दी हूँ, तो अब सही से अरेंज कर रही हूँ कि हमारा जो भी सामान है एक जगह रहे और अच्छा से मिल जाए, जब हमें जरूरत हो वीडियो बनाना हो जिस चीज का, तो हमें आसानी से मिल जाए। तो देखिए ये चम्मच स्टैंड है, इसमें चम्मच और कुछ चाकू वगैरह हम रख लिए हैं, और कुछ चलाने वाला करछी वगैरह। और ये जो है सेल्फ हमारा, ये लकड़ी है, यानी कि समझ सकते हैं आप ये लकड़ी है, सेल्फ है जो है वो कोई वो नहीं है, मार्बल नहीं है। तो मैं इसे टेम्पोरी बनाई हूँ, देख सकते हैं आप जो लकड़ का सेल्फ है हमारा, इस पर हम पानी नहीं गिरा सकते, लेकिन मैं बनाई हूँ और बहुत ही ध्यान से काम करूंगी यहाँ पे मैं। तो ये लकड़ का सेल्फ है, प्लाईवुड से मैं बनवाई हूँ, एक लंबा सा सेल्फ दिलवा दी हूँ नीचे। बस हमारा जो सेटअप है देखिए इधर इस तरीके से तैयार हो रहा है। तो मैं इस पे सरमाइका लगवा दी हूँ व्हाइट कलर का, जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है। ये कॉर्नर में जा रहा डिजाइन वाला हुआ, देख सकते हैं वो कॉर्नर को मैं जो लकड़ियां बची थी उसी में से बनवा दी हूँ, और इस तरह से बीचों बीच एक सेल्फ लगवा दी हूँ। तो ये जो चूल्हा है मैं बहुत दिन पहले लाई थी, और इसका मैं वीडियो बनाई हूँ लेकिन अपलोड नहीं की हूँ। तो अच्छा से मैं साफ कर ले रही हूँ चूल्हा को भी, क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी आ गया है। जिस पे मैं चूल्हा रखी हूँ वो एक काउंटर है, यानी कि टेबल टाइप का है, और उस पे मैं मार्बल दो मार्बल को लगवा दी हूँ। और ये जो टेबल है हमारा अंदर चला जाता है सेल्फ के अंदर, और जगह हमारा बचत जाता है, हम बाहर को सो भी जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा किचन सेटअप था। अगर आपको हमारा ये किचन सेटअप अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और कोई आइडिया देना हो कि इस तरीके से आप सजा सकते हैं किचन को तो भी बताएं। हम मिलते हैं एक नए रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।